अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक दौर था, हमने अपने बुजुर्गों से यही सुना है कि मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त इतनी तेजी से तब्दील किया कि हमारे सारे मॉरल वैल्यूज और हमारा सोशल फाइबर ही बदल गया। अब हमें मेहमान जो है ना वो जहमत लगता है। तो वक्त के साथ साथ मेहमान नवाजी निकलती चली जा रही है हमारे घरों से। हमें याद है कि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता था तो हमारे बड़े अब्बा जी बुलाया करते थे, हम मेहमान को मिलते थे, उससे चाय पानी पूछते थे, उससे गप्पे मारते थे। आज के बच्चों जो हैं वो आते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं और गायब हो जाते हैं, या फिर अपने कमरों से ही नहीं निकलते, या अगर बच्चे आ भी जाते हैं तो मेहमान के आगे पड़ी हुई जितनी भी चाय की चीज़ें होती हैं वो उड़ा देते हैं। तो मुझे याद है अच्छी तरह साढ़े घर आते सर मेहमान, तो मेहमान ने जाना तो साड़ी कोशिश और निकले थे असी जी जी हमला, चिकन पैटी चुकी है तो दौड़ ला दई है या वापस भी आ जाता मेहमान। एग्जैक्टली। और असि अपने मां-बाप नु पूछ रहे हुंदे सा घर वड्डे नु कि हफ्ता हो गया अब घर मेहमान नहीं आ रहे, क्योंकि पता होता है मेहमान आएगा तो चीजें आएंगी खाने की। एंग्जियसली यूज्ड टू वेट फॉर द गेस्ट। अच्छा, ड्राइंग रूम में बैठा हुआ मेहमान अगर ये सुन लेना कि किचन में उसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, हाँ। तो शायद वो चाय पिए बगैर ही चला जाए। बहुत से लोग तो किचन में सर चक भी लेते हैं, उनको देने से पहले ना हल्के हल्के नींबू उठा लिया, नमक पारा उठा लिया। अच्छा, ये मेहमान जब पैसे देते हैं तो कितने दफा मना करने के बाद वो पैसे ले लेने चाहिए, कितने दफा सोचते नहीं बात। अच्छा ठीक है बेटा। यार मुझे बात याद आई कि वो अक्सर जैसे पैसे माएं ले लेती हैं कि जी हमने आगे देने होते हैं, तो मेरी एक फ्रेंड की बेटी आई तो मैंने उसको पैसे दिए, उसे अपनी माँ को कहा ये ना मेरे से लेना, सामे आंटी की कोई बच्चे नहीं है। फातिमा साहिबा, आपके घर में आते हैं मेहमान, आपको सर्व करना अच्छा लगता है या मेहमान बनना अच्छा लगता है? मुझे वैसे सर्व करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है नवांशु जी अब हम कहते हैं मेहमानों को कि कॉल करके आए, आपने कॉल नहीं की, तो आई थिंक इन अ वे ये बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि नाउ एवरीबॉडी इज वर्किंग। बैक देन सिर्फ एक घर में काम करते थे और बाकी सब घर में। मैं बिल्कुल बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन मेहमान का मतलब जो है ना बता के आने वाला है। मेहमान का मतलब वो कहते हैं ना मॉडर्न, हम होते चले जा रहे हैं ना अपनी तरफ से, हम एजुकेटेड होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे ये रुझान बढ़ता चला जा रहा है। यार जिस जमाने में मेहमान आने का रिवाज पड़ा उस जमाने में ना तो मोबाइल था ना लैंडलाइन थी, तो आप कैसे इतला करते, तो इसीलिए मेहमान का मतलब है ना आने वाला। और अब हम मेहमान का लफ्ज एक दौर में इस्तेमाल करते थे आने वाले के हवाले से, तुम्हारी दादी जो कहती थी कि मेहमान आने वाला है, अब हम वो भी नहीं करते, हम डायरेक्ट कह देते हैं आर यू एक्सपेक्टिंग, और कब हो रहा है, लड़का है ये लड़की है, तुमने चेक कर पहले पता चल जाता। वो खुशी की वो इंतहा ही नहीं रहती जब आपको अब्रप्ट जो खबर मिलती है, अब आपको चार महीने पांच महीने पहले ही पता चल जाना है, तो उसे की गोल खिलाना है। बुलाते हैं आज के मेहमानों को, आज के हमारे पहले मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, सूबाई वजीर है पॉपुलेशन के, जनाब रिटायर्ड कर्नल हाशिम डोगर साहब, और उनके साथ तशरीफ लाती हैं एक खूबसूरत आवाज की मलिका मोहतरमा शबनम मजीद साहिबा जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी बहुत बहुत सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जी। शुक्रिया। क्या हो रहा है सरकार, सरकार क्या कर रही है? सरकार मैनेज कर रही है जो कितने अरसे का जो जो बैकलॉग इकट्ठा हुआ हुआ था, जो पॉपुलेशन रुकी पड़ी थी उसको उसको मैनेज कर रही है। उसमें नौमान भाई देखें, ये भी एक बड़ा सीरियस इशू है, इशू है पॉपुलेशन वाला। आखिरी टाइम जनरल अयूब साहब के दौर में उन्होंने कुछ कोशिश की थी कि हम इस आबादी को कंट्रोल करें, कंट्रोल करें, किसी ने पांचवें नंबर पे हैं हम आबादी के लिहाज से, और अगर इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो, और अगर ऐसे ही कोविड रहा तो हम थर्ड पोजीशन यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल करेंगे। अगर हमारे मुल्क में जब फैमिली मुकम्मल हो जाती है तो दूध दही धनिया लाने के लिए भी एक बच्चा पैदा कर लेते हैं। देखिए जब तक नौकरियां नहीं होगी ये रकबे तो बढ़ेंगे, काम नहीं होगा जब तक आप मसरूफ नहीं होंगे। हाँ जी, ऐसा ही है सर। इट्स नॉट दैट सिंपल इशू। बच्चे बाकायदा प्लानिंग से पैदा किए जाते हैं, तो जिनके रिसोर्सेज नहीं है वो 10-12, और वो एक मतलब एक मकसद से होते हैं। इज इट एन एवरेज? वैसे बाय द वे एवरेज ओवरऑल देखें पॉपुलेशन को फिर तो इतनी नहीं है, मगर वो बैलेंस आउट हो जाता है ना, कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, साहिब हैसियत हैं, जो शायद चार बच्चों को भी अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड करने का मतलब ये है कि आप उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उस बच्चे की जो ग्रूमिंग है वो करने के काबिल हों,
हाँ। तो अगर आपने बच्चा पैदा इस मकसद से करना है कि ये जब 9 साल का होगा तो ये आप जैसे या चले मेरे जैसे हाँ। किसी के घर पे जाएगा, काम करेगा, छोटा या छोटी बन जाएगा, बिल्कुल सही तो उसके बाद फिर यही होना है कि आप वो 10-12 बच्चे पैदा करते हैं हाँ। उनके 10 बच्चे काम कर रहे हैं, महीने का 1,00,000 रुपया वो कमा रहे हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्री, योर प्रोविंस, योर रिसोर्सेज। दो सिचुएशन थे नवान भाई, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, गम और खुशी में। आप भी लाहौर में रहती हैं, लाहौर को आपने फलता फूलता देखा है, क्या कमेंट करेंगी कन्हर साहब जो बातें कर रहे हैं पॉपुलेशन के हवाले से? हम ऐसी बिगड़ी कौम है कि हम ठीक ही नहीं हो सकते हाँ। तो इसे या होना चाहते नहीं है, होना चाहते नहीं है हमें, या एक ये भी शबनम जी परसेप्शन है कि कोई आए तो ठीक कर दवे मैंने। मैंने बहुत दफा नुमान जी देखा है कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी का शीशा नीचे होता है, उसमें टिन पी है, बाहर फेंक दिया है, कोई डिसिप्लिन हाँ। नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाँ। ये हम लोगों ने खुद से करना, ये इमरान खान साहब तो नहीं उठाएंगे आके वो टिन हाँ। हम एक सड़क पे जाते हुए अपने आप को नहीं बदल सकते, तो इतनी दुनिया को लेके चलना, जो हुक्मरान बैठा होता है उसके साथ और बहुत सारे लोग काम कर रहे, तो बहुत ही, हम तो खैर आर्टिस्ट हैं, हम उस पे तो उलझ जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हम सब आम लोग भी हैं, फनकार तो अपनी जगह है ही, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि और कुछ करें ना करें, महंगाई जरूर, हमें चीजें सस्ती मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए। तो कहां से आई ये हमारी हेडेक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ हाँ। ये जो महंगाई वाला है ना, पहली तो बात है कि ये नहीं कम होगी, बिल्कुल किसी खाम ख्याली में मत, बिल्कुल नहीं कम होनी, उसकी वजह ये आबादी है ना जी। जी जी, आज आप 12 करोड़ है पंजाब में, अगर आप इसी तरह बढ़ते रहे तो 20 साल बाद आप 25 करोड़ होंगे। या अल्लाह, कम बता रहे हैं आप। हाँ जी, आज आपकी ज़रात ऑलमोस्ट अपनी फुल कैपेसिटी पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और आज पूरी नहीं पड़ रही, जरा सोचें 20 साल के बाद क्या होगा। अल्लाह, यस, करण साहब इज राइट। सबसे अहम बात, आप मुगले आजम से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें घर में जितने कमरे हैं उतने एयर कंडीशनर हैं, बिल्कुल ऐसे ही, जितने फर्द हैं उतनी गाड़ियां हैं, बिल्कुल ऐसे, शादियों पे देख लें हम क्या एक्सपेंड करते हैं, बिल्कुल ठीक बात। फिर उसके अलावा अपनी आम लाइफ में अगर हम एक छोटा स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं तो हम भाग के बड़े स्कूल में जाते हैं, ऐसे ही है, इन सारी चीजों के साथ फिर आपको महंगाई तो बर्दाश्त। लेकिन सर एक कमरे में अगर किसी के 12 बच्चे हैं तो उसका टैलेंट है ना? ये भी उसका टैलेंट है, वो उसका टैलेंट। लेकिन करण साहब इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि वही वाली बात कि जब तक हम अपनी चीज़ों को कट डाउन नहीं करेंगे, मैं जब आपका भी हिस्सा खा जाऊंगा तो फिर आप तो भूखी रहेंगी ना। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, शबनम मजीद साहिबा के साथ भी बातें करेंगे, बल्कि उनकी खूबसूरत आवाज़ में आते ही एक गाना फड़का देंगे हम। एक छोटी सी ब्रेक जी सरकार। दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरती हमारी है, दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। मैं तारे गिनती हूँ, जब सोता ही ये आलम, रोती हूँ तड़पती कटती ही नहीं जालिम, एक रात जुदाई की सौ रात पे भारी है, दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी। लेकिन
मेरे ख्याल में तो ऐसा ज्यादा गर्म मजारत ही कोई नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस गवर्नमेंट डूइंग वेयर एज पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड? एक तो पिछले 3 साल में हमने ये जो एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसको आप ठंडा डिपार्टमेंट कह रहे हैं, हमने इसका कम अज कम 5 to 6 times हमने इसका बजट रेज किया। ओके एक रिसेंटली जो हमने काम किया जिसको प्रेसिडेंट साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया, फॉर द फर्स्ट टाइम हमने उलमा हजरात को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया। और वो कैसे किया? हाँ। जितने भी इमाम मस्जिद हैं उनकी हमने ट्रेनिंग करवाई उनके अपने उलमा हजरात से। रियली? जी। कुरान पाक के अंदर देखे ना, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है सूरह बकरा में कि एक माँ जो है वो बच्चे को 2.5 से 3 साल दूध पिलाए। हाँ। आपको पता है कुरान पाक का एक एक लफ्ज हिकमत है, हमें तो उस पर कोई डाउट नहीं है। कोई इसे, कोई तो ये जो 2.5 से 3 साल है ये एक नेचुरल कॉन्ट्रसेप्शन है। 18-19 साल की उम्र में लड़की शादी अगर करती है और वो 3-4 साल के वक्फे से, तो मोस्टली 29-30 के बाद हमारी खवातीन जो है ना वो रुक जाती हैं फिर। नहीं ओके तो हम इसको चाह रहे हैं कि आप इसके अंदर 2 कर लें बच्चे पैदा, 3 कर लें मगर सेहतमंद करें, स्टंटेड ग्रोथ ना हो, बीमार ना हो, बच्चा पैदा होते ही हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट ना हो। वरना ये जितना मर्जी हमने इस दफ़ा 160 times हमने अपना हेल्थ का बजट रेज किया। ओके 80% हमने एजुकेशन का बजट रेज किया। ओके मगर दैट इज ऑल गोइंग डाउन द ड्रेन। उसकी वजह ये है कि विद दिस ग्रोथ रेट, नुमान भाई यू विल बी सरप्राइज टू नो, हमें रोज 7 नए स्कूल पंजाब में बनाने चाहिए अगर हम चाहें कि हमारे बच्चे स्कूल में जाएं। अल्लाह आप कनाडा में रहते हैं, कनाडा भी नहीं बना सकता रोज। ये आपको किसने बताया? मैं तकरीबन 20 साल अपनी सर्विस के दौरान इंटेलिजेंस में रहा हूं। मैं भी आप पे पूरी तहकीक करके आई डोंट लिव देयर। हां मुझे पता है यू कीप कमिंग एंड कीप कमिंग बिकॉज़ योर फैमिली लिव्स देयर। हां जी हाँ जी। तो ये है कि इवन कनाडा यूएस भी ये बिल्कुल नहीं कर सकता। अच्छा सर, मेरा सर से सवाल है सर, आप ये बात मानते हैं कि कवारों की नजर में हर मसले का हल शादी है जबकि शादीशुदा की नजर में हर मसले की वजह शादी है? डू यू एग्री? भाई बहुत टेक्निकल बात है सर, सर को आपने फंसा दिया है इस बात में, सोचना पड़ेगा। और मैडम से मेरा सवाल है, मैडम ये घर में बेइज्जती होने के बाद कौन सा गाना सुनना चाहिए? और ये बताइए, ये बात सच है कि खराटे वायद ऐसी मौसीकी है जिसे बजाने वाला खुद नहीं सुन सकता? लेकिन ऐसा ये कौन सी मौसीकी होती है खराटे वाली? वैसे बड़ी कोशिश की है फिर मजबूरन मेरी बेगम ने रिकॉर्ड करके मुझे बहुत खराटे में। और ज्यादातर झगड़ा खराटों पे होता है और झगड़े की जब सुलह होती है उसके बाद फिर पॉपुलेशन। हाँ फिर आपके एक्स बॉस आपके बड़े फैन थे मुशर्रफ साहब। जी जी रियली यूज्ड टू लाइक योर वॉइस। जी कौन सा ऐसा कोई वाकया मुशर्रफ साहब से मुलाकात रही आपकी? जी बहुत दफ़ा, और वो बल्कि म्यूज़िक से बहुत लव करते थे। मैंने उनकी फैमिली में जाके देखा, उनकी जो मदर थी वो बहुत अच्छा हारमोनियम प्ले करती थी, वो म्यूज़िक से बहुत प्यार करने वाले थे। मैं समझती हूँ कि ये आर्ट जो है ये अल्लाह ताला की गिफ्ट होता है, अगर किसी को गिफ्ट दिया जाता है, हर बंदे को ये चीजें नहीं मिलती। यानी कि वर्दी वाला भी सुरीला हो सकता है। बिल्कुल बड़े अच्छा गाते थे वर्दी वाले। अच्छा लोग जो है वो तैयार होते हुए गाना गुनगुनाते हैं, ये कपड़े पहन रहे वर्दी पहन रहे, तो आप कभी ऐसा होता हुआ कोई हो नहीं सकता कि बंदा टोपी पहन रहा है? नहीं सर मुझे लगता ये पिस्तौल बन रहे हो, मैं तो किसी पिस्तौल पा रहे होते उधर गाना गा रहे हो। सब बहुत अच्छा गाते थे और बाज़ दफा डुएट की शक्ल में भी। रियली कोई ऐसा गाना जो मुशर्रफ साहब ने डुएट में आपके साथ ऐसे ही जो गाना उनको पसंद था ना उनकी वाइफ सबा जी को, तो वो हमेशा फरमाइश करती थी, वो फिर मुशर्रफ साहब मेरे साथ गाते थे और वो गाना था वी कि तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया तो मर के हमारे लिए भी हमारे लिए भी गा रहे। तू अपने सारे हम दे दे मैं बढ़ जावा खुशी प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया।
देश में इतनी मधुर आवाज और इस तरह के गाने बनते हो, वहाँ आबादी कैसे कंट्रोल? देखो इतनी प्यार करने वाली पाव में एवरीथिंग एंड्स ऑन दिस ना, एक तेरा सॉन्ग रात को 11 बजे ये गाना सुन रहे हो, तेरा आबादी बदनी हो। मेहमानों के साथ बातों का सिलसिला जारी है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा जी सरकार में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी वेलकम बैक टू जी सरकार, कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबेदार शबनम मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब इतनी बादशाहों वाली जॉब, वर्दी, टेका और फिर वजीरों में आ गए आप, ये क्या चक्कर है, वाय? इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये था कि चूंकि मेरे वालिद साहब पॉलिटिक्स में रहे, अच्छा, तो मुझे शौक था इसमें। ऑनेस्टली यू गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज। अब जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़िले में यूनिवर्सिटी नहीं थी फॉर लास्ट 73 ईयर्स। अच्छा, तो आई एम रियली थैंकफुल टू माई CM कि उन्होंने हमें कसूर में पहली यूनिवर्सिटी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिकमेंडेशन पे दी। अच्छा माशाल्लाह, दिस इज़ वन थिंग आई थिंक जो मैं एक समझता हूँ लाइफ में ग्रेट अचीवमेंट है। मेरा टाउन है कंगनपुर, उसमें DPS स्कूल की ब्रांच लेके आया। अच्छा, ताकि बच्चे पढ़े। बहुत बुरे हालात थे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वहाँ पर रोड्स नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो इन 3 सालों में अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अल्लाह ने मौका दिया लोगों की खिदमत करने का। तो इसमें भी काफ़ी, अगर आप चाहें तो अल्लाह ताला आपको खिदमत के मौके दे देता है। तो मैं तो वैसे शौक से आया था इसके अंदर। पॉलिटिक्स में? जी पॉलिटिक्स शौक से आए। जी मुझे तो अभी शौक है सियासत। हम यही समझते हैं और हमारी जो ऑब्जर्वेशन है हम सब लोगों की, हम तो हमेशा सियासतदान को बिजनेस मैन ही समझते हैं, या तो आपसे पहले आने वाले लोगों ने ये परसेप्शन खराब की है। ये किसी न किसी हवाले से खराब हुई है तो हमारी ये परसेप्शन बनी है। लोगों ने आपके सामने बिलियंस हड़प किए इस मुल्क के, कोई अभी कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है। तो मैं तो वैसे भी आई एम टू मच इंस्पायर्ड बाय माई लीडर, और दुनिया में आप कोई भी उनका मुखालिफ उनके बारे में कुछ कह सकता है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये कह सकता है कि ही इज अ करप्ट मैन। नो 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 नो, नोबडी इज गोइंग टू से दिस। बड़े सारे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं पॉलिटिक्स में जिन्होंने करप्शन नहीं की। तो करप्शन ना सिर्फ पॉलिटिक्स में रही, बाकी फील्ड्स में भी रही। इस मुल्क को सिर्फ पॉलिटिशियंस ने ख़राब नहीं किया। मैं समझता हूँ ओवरऑल हमारा एक माशरा ही ऐसा बन गया, बिजनेसमैन है वो ज़िम्मेदार से एक चीज़ ले रहा है 80 रुपए के 4 किलो, और वो यहाँ पे आके तो 1 किलो 80 रुपए में बेच रहा है, ये करप्शन नहीं है सर? लेकिन कानून तो आप ही लोगों ने इम्प्लीमेंट करवाना है ना, गलती तो वहाँ पे है ना? बिल्कुल है। ये मैं समझता हूँ कि इतना अरसा लग गया, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो हमारे पास दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम था, हमारे पास रेलवे का निज़ाम था, और यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस थे, क्या कुछ नहीं था इस मुल्क में। 1 रुपए का 1 डॉलर मिलता था। तो जाहिर है हमारे हुक्मरानों की, जिसमें पॉलिटिशियंस भी रहे या जिसमें आर्मी की रिजीम्स रहीं, बिल्कुल ठीक, तो आज इसीलिए 170 रुपए का डॉलर हो गया, तो गड़बड़ तो है। अच्छा सर, एक पिछले दिनों जब कोरोना आया ना, तो गवर्नर साहब ने ना टिकटॉकर्स को बुलाया कि आप टिकटॉक ऐसे बनाएं कि कोविड की अवेयरनेस बढ़े। तो क्या हम पॉपुलेशन प्लानिंग को में टिकटॉकर्स की हेल्प नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? देखें अभी बहुत अच्छे से बड़े उनकी फॉलोइंग है, क्यों नहीं ले सकते? वो बच्चे ही तो बना रहे हैं, बना ही बच्चे रहे। मैं तो समझता हूँ कि कोई भी चीज अगर आप उसको पॉजिटिवली, अब आप देखें मजाक से हटके, आप कभी ये इनके देखें ना फॉलोअर्स कितने, अभी ये जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, हो सकता है कुछ जितने भी लोग देखेंगे, आप बुला लें अभी किसी टिकटॉकर को, तो पूरी एक रात में मिलियन से ज्यादा जो है ना वो उसकी वो टिकट, उसकी पता क्या, हमारी नजर उस मिलियन पे तो जाती है, लेकिन उस मिलियन पे क्यों मिलियन हुए वो नहीं हम सोचते। बामकसद चीज का होना बहुत लाजमी है, बेमकसद चीज इस मुल्क में अप्रिशिएट होती है बहुत ज्यादा। आप इससे अंदाजा लगा लेना, हमें बात समझ रहे हैं ना सर? तो हमें बामकसद होने के लिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें देहातों में इस तरह के स्ट्रीट थिएटर्स करने चाहिए। yes. जिसमें वैसे हमने किए हैं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, रफी पीर थिएटर, ये मैंने पंजाब के हर तहसील में भिजवाया। अच्छा, बड़ा अच्छा उन्होंने शो किया, दोबारा उसको करने लगे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन कॉलेजेस, एजुकेशन इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। हाँ जी बिल्कुल, आप देख लें, खुद देख लें अपने आस पास जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सोच और है, जो नहीं पढ़े लिखे उनकी और है,
तो ये आपका अच्छा आइडिया, हम इंशाल्लाह मजीद इसको, थिएटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बच्चों को एजुकेट करने के लिए और पढ़ाई की तरफ लाने के लिए भी थिएटर किया जा सकता है। थिएटर तो एक ऐसी चीज़ है जो हम बड़ी बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। बिल्कुल सर, हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी ना किसी का पैगाम लेकर आते हैं और हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचे, उन हुक्काम तक पहुँचे। शायद डाकिया साहब की कोई बात या वो बात जो वो सुनाते हैं या जिसने वो पैगाम भेजा है उससे किसी की आंखें खुल जाएं मजीद, खुल के फिर आबादी ना बढ़े। अगर बात आबादी की है, इजाजत तो मैं बुलाऊं प्लीज, बहुत सारी तालियों में हमारे प्यारे डाकिया साहब जी, आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, सलूट मार कर्नल साहब ने सट लगी मेरे प्राण जी। सर किसका पैगाम लेकर आए हैं? सरकार पैगाम जो है वो एक बंदा जो है उसने आबादी जो बढ़ रही है ना वो तीन शहर हुए, हालांकि सर ये प्लान्ड नहीं था। हाँ, और उसने उसके बारे में कोई जो है ना वो बातें बताई हैं कि किस किस तरह बढ़ रही है और कहाँ कहाँ इसके नुकसान हो रहे हैं, उसके क्या असरात हो रहे हैं उसके। नुकसान तो आबादी बढ़ने का कोई नहीं होता, असर पड़ता है जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, सरकार वो कहता है कि कट्टा करनी असी तरक्की, हथों निकली जाए आबादी। बिल्कुल ऐसे ही है। ते ख्वाब की पूरे होने इत्थे, हाँ, आटा पूरा होंदा नहीं, आहा, ते सुख दियां घड़ियां की ने लभनियां, हाँ, कोई दुखां नाल कोई सौंदा नहीं। ऐसे ही है। ते टेंशन हो गई बेहसाबी, हथों निकली जाए आबादी, ते बच्चे बहुते स्कूल ने थोड़े। ऐसे ही है। ताइयों चुकन कंड ते बोरे। ऐसे ही है। चाइल्ड लेबर के हवाले से ये बात हो रही है। ते जिन्ना च लोड़ किताबां दी सी सीट एक ते बंदा लख, आपे ही दसो लभना कख, कुछ नहीं लभदे फिरदे ओ शादाबी, हथों निकली जाए आबादी, ते भुख तो बंदा किवें बचे, एक बंदे दे अठ अठ बच्चे, आए है, ते साह भी सौखा होवे किंज, सुख ना बंदा सोवे किंज, ते जिथे आंदे औखे साह भी, हथों निकली जाए आबादी, ते जिन्ने बंदे उन्ने पखे। हाँ जी बिल्कुल। बिल दा कीवें भार कोई चुके, ते हांडी किंज पूरी करनी, चुल्हे केड़ी शह धरनी, लंघदी भी नहीं रोटी सादी, हथों निकली जाए आबादी, ते जिन्ने थां थां पुरना है ओदा की इत्थे जुड़ना है, आहो, ते आपे ही सोच विचार करो, वो अपने कल ना प्यार करो, ते जिंदगी जियो तुसी नवाबी, हथों निकली जाए आबादी। इस बात में बेइंतहा सबक भी है अगर कोई लेना चाहे, अकल भी है अगर कोई लेना चाहे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है ना हम सबक लेना चाहते हैं ना हम अकल लेना, और ना ही ब्रेक लेना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ तनकीद करना जानते हैं और किसी एक को ब्लेम करना चाहते हैं। काश के इस मुल्क से ब्लेम गेम ख़त्म हो जाए और सब आप अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी शुरू कर दें तो ये मुल्क जन्नत है। छोटी सी ब्रेक के बाद इसी जन्नत में वापस आएंगे जी। जी सरकार में, मेरा मतलब है हमारी जन्नत में एक मरतबा फिर से खुश आमदेद जी। सामिया जी, क्या कहते हैं सितारे हमारे मेहमानों के? सबसे पहले बताइए मुझे कर्नल साहब का सितारा क्या कहता है? बहुत हद तक ये सिमिलर है परवेज मुशर्रफ साहब के जायके के साथ, क्योंकि जब इनकी जर्नी को देखते हैं बहुत सारी नामुमकिन चीजों को मुमकिन कर दिखाया है। वाह, दिमाग अल्लाह ने इनको बहुत तेज दिया है। सिर्फ थोड़े से आस्तीन के सांपों की पहचान रखनी होगी। सर जितने माशाल्लाह आपने एक बड़ा जहीन ब्राइट आपका पास गुजरा है फौज के हवाले से एज व्हाट आवर नॉलेज इज, आपको तो पहचान हो जानी चाहिए। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि काफी हद इन पे रिवील हो जाते होंगे वो। अच्छा, आप गेस आउट कर लेते हैं? काफी हद तक मैं क्लियर होता हूँ कि कौन मेरे साथ किस तरह। अब मुझे तो ऐसे लग रहा है हम इनको आबादी
कि इतना हम लेक्चर कर रहे हैं। आपको लगता है ये आबादी कंट्रोल कर लेंगे? मुझे लग रहा है इनकी मिनिस्ट्री बदली जाने वाली है। मुझे लग रहा है उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा वगैरह आ रहे हैं। हाँ यार, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं खत्म ही ना हो जाए। मुझे लग रहा है कि इनको कुछ नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। अनकरीब ही नजर आता है। अल्लाह ताला फिर हम सिफारिशें एक एक और लव स्टार्स भी अच्छे हैं माशाल्लाह, तो वहाँ पे मोहतात रहे ताकि कोई भी क्लिंगी ना होने पाए इनके हाँ, साथ हाँ। क्योंकि लव स्टार्स अच्छे हैं तो फिर जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। मतलब अभी भी लव स्टार अच्छे हो, फिर फौजी आदमी हो और हैंडसम आदमी हो तो सारी चीजें करती हैं। नहीं तो अगर जान छुड़ाने को जी ना चाहे तो फिर आबादी बढ़ेगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमारा मुझे क्राइम में इन्वॉल्व है। अच्छा सर, इतने होम लविंग है, जैसे परवेज मुशर्रफ साहब का नारा था पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, सर का नारा है होम कम्स फर्स्ट, तो होम लविंग है तो घर वालों के लिए ब्लेसिंग है कि अपने घर से प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे, और जैसे औरतें अपने घर के लिए टची होती है, सर ऐसे अपने घर के लिए टची होने चाहिए, उसको कम्फर्ट जोन बनाने में। ऐसे ही लीडर चाहिए। बहुत खुश होगी मेरी बीवी। ये वाली हिस्सा तो आपके घर की तरफ चलेगा, अब हम वो रिकॉर्ड करते हैं जो आपके घर की तरफ नहीं चलेगा। जी शबनम साहब, इनके बारे में ना मैं इतनी प्यारी ही दोस्त हैं और हमारा इतना पुराना साथ है सर, लेकिन तारीख पैदाइश नहीं, और आपको पता है मैं साइंस की बात करती हूँ। मेरा तू डाउनलोड हो इससे तारीख पैदाइश। You don't remember, शबनम जी? ये है कि मुझे वाकई नहीं पता डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट, वो मतलब एज का वो कोई छुपाने वाला चक्कर नहीं। मेरे को भी अक्सर मेरा टाइम पूछ देने तो मैं कहा बेवक्ती होना जो मैंने याद नहीं। तो शनाख्ती कार्ड पे क्या लिखा तारीख पैदाइश अभी ढूंढ रहे हैं क्या? अभी अभी ढूंढ रहे। अच्छा ओके, चलिए फिर हम एक काम करते हैं, हम छोटे छोटे सवाल है आपका जी। कभी बचपन में मार पड़ी हो और रोने पर मजीद मार पड़ी हो? तो पहले से चुप नहीं करता। लेकिन ये सुर में रोती हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल पड़ी है, पड़ी है। स्कूल ना जाने पे बस बहुत फिर मार पड़ती थी। चलो अच्छा, गाने के अलावा कोई एक काम जो आप बेहतरीन कर लेती हैं? पेंटिंग का मुझे शौक। हनी भाई का फेस बना सकती हैं दीवार? नहीं, बहुत मुश्किल है, ये एक ही पीस है। एक आदत आपकी जो आप बदलना चाहती हो? मैं सब कोई ज्यादा भी कर जाता ना, फिर मैं उसके साथ उसी तरह से मोहब्बत से पेश आ रही होती हूँ। वाह वाह वाह, मैं इसको बदल नहीं सकती। माफ को मत बदलिएगा। हाँ, ये अच्छी आदत है। आजकल कोई ऐसा फैशन जो आपको ज्यादा अपील नहीं करता? ये टिकटॉक जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैंने कभी नहीं बनाया। कोई गाना जो आपके ख्याल में अंडररेटेड है? मेरा एक गाना जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और वो दिल चीज है क्या जाना के साथ ही रिलीज हुआ था, लेकिन उस तरह से वो नहीं हुआ कि मैं दो लाइंस वैसे आपको यहाँ सुना सकती हूँ। जरूर 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 जरूर। तुम बिन जिया उदास से सजना आ जा मेरे पास। वाह वाह वाह। तुम बिन जिया। वाह 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 वाह। अरे सर, इतनी अच्छी आवाज पे वो क्यों नहीं आएगा? अच्छा मैं जिन सिंगर्स के नाम लूंगा डेफिनेटली आपको बहुत पसंद होंगे, उनकी कोई एक एक आदि एक एक लाइन गुनगुना दीजिए। आतिफ असलम साहब। ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे। वाह वाह वाह। इब्रारुल हक साहब। इब्रारुल हक का एक गाना बहुत अच्छा था, नाच पंजाब एंड नाच, उस पे मैंने जवाब लिखा था खुद से और उसकी कंपोजिशन भी बनाई थी, वो मैं यहाँ पे सुनाना चाहती हूँ। जरूर जरूर। उन्होंने गाया था नाच मजा जड़ नाच मजा जड़ नाच मजा जड़ नाच। अच्छा इसका मैंने वो किया था कि नहीं नचदी नहीं नचदी पंजाब बड़े नहीं नचदी नहीं नचदी जटिया मुरबिया वाली तेरे नल नहीं नचदी हाँ मुरबिया वाली तेरे नल नहीं नचदी। छोटे सवाल है, इसी तरह कोई एक आदत खान साहब की जो आप चाहते हो कि वो बदल जाए? थोड़ी मेहमान नवाजी ज्यादा करें। कोई एक मशवरा या आदत उस्मान बुज़दार साहब के लिए जो आप चाहते हैं कि वो अपनाएं? आई थिंक वो शायनेस अपनी रिड्यूस करें विद मीडिया। कोई एक खूबी अगर इंसान में हो तो वो बेहतरीन सियासतदान बन सकता है? मैं समझता हूँ कि आप झूठ मत बोले, लोग सच सुन लेते हैं। सर सुनते हैं।
अगर आप उस्ताद बनाना चाहें सियासत में किसी को, तो क्या समझते हैं, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट सियासतदान? एतजाज हसन साहब को मैं चाहूंगा कि मैं उनको। अच्छा, चॉइस साहब, गुड चॉइस। तो फौज ज्यादा मुश्किल थी या सियासत? सच्ची बताइए। सियासत मुश्किल। कोई एक आदत आपकी जिससे घर वाले आपसे नाला हो? मैं बहुत लेट सोता हूँ रात को। सर, मैं जिन लोगों के नाम लूंगा इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शेख रशीद साहब, इज अ थोरोब्रेड पॉलिटिशियन, और कुछ लोगों को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद। मुराद अली शाह साहब, ही इज अ स्मार्ट मैन, और उनकी असेंबली में जितने भी होंगे उनके कोलीग्स, आई थिंक ही इज बेटर देन देम। जुबैर उमर साहब, जुबैर मोहम्मद जुबैर, जुबैर उमर, मोहम्मद जुबैर साहब, उन्हें अब टिकटॉक बनानी चाहिए। आई डोंट लाइक हिम एज फार एज हिज पॉलिटिकल थॉट्स आर कंसर्न। देखिए, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, और आपको पता है कि आपके लीडर्स करप्ट हैं, और आप उनको सारा दिन डिफेंड करें। मैं आपको खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, अगर मुझे पता हो मेरा लीडर करप्ट है, मैं एक मिनट के लिए भी उसको डिफेंड ना करूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह, उनको पता है कि ये करप्ट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आबिद शेर अली साहब, मेरा ख्याल है आप किसी। अच्छा चलो ठीक है, छाड़ दियो। कमर जमान कायरा साहब, ही इज वन मैन, आई लाइक हिम इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मेरी ख्वाहिश है कि अगर वो हमारी पार्टी में होते तो शायद बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते। बिल्कुल ऐसे ही। कोई एक खूबी जो आप समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तानियों में नोट की हो आपने? पाकिस्तानी बहुत फंडामेंटली क्रेजी हैं फॉर हजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरह ये अपने मुल्क के साथ भी अटैच्ड हैं। बिल्कुल ठीक। बदकिस्मती से इनको अच्छे लीडर्स नहीं मिले, इससे ज्यादा वाइब्रेंट बहादुर कारीगर कौम इस दुनिया में। पाकिस्तानी काम के लिए बहुत सारी तालियां भी। थैंक यू वेरी मच कैलर साहब, अपनी खुशूफियत में से आपने वक्त निकाला। रियली वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। एंड शबनम मजीद साहिबा, अपना ख्याल रखिएगा जी सरकार में, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हाजिर होंगे।